بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
शाबा का वर्णन रखा हुआ है तो एक शादी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ये बताइए कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपकी खुशी का इजहार किस तरह होता है। सहाबा पूछते हैं कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप खुश हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मेरे गुलाम सवाल करने वाले जब मैं खुश होता हूँ गुस्से या शिफा आती मैं अपनी शिफा को और वसी कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरफ हदीस ये कहती है कि नबी पाक फरमाते हैं कि उस वक्त तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा। इसके बावजूद नबी पाक फरमाते हैं कि जब मैं खुश होता हूँ तुम्हारी खुशी के इजहार का अपना तरीका होता है लेकिन मेरी खुशी के इजहार का तरीका यह है कि जब मैं खुश होता हूँ मैं अपने गुलामों के लिए शिफात को और फैला देता हूँ। जब आप खुश होते हैं जब आपकी शिफात मसीह होती है क्या कोई ऐसा कुछ नसीब है जिससे उस जो हिस्सा हासिल कर सकता है जिसे वहां से हिस्सा मिल सकता है। नबी पाक के साथियों साथ बताया कि ना हम सुभान अल्लाह हां है ऐसा कुछ नसीब। पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है, जरा जवाब सुनिएगा। नबी पाक के साथियों साथ फरमाते हैं अल मुकरिमु लिज़ुरियती के वो बंदा जो मेरे आले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा जो मेरे आले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा वो खुश नसीब होगा जब मैं अपनी शिफात को वसी करूंगा और किसी को हिस्सा मिले ना मिले उस खुश नसीब को जरूर हिस्सा मिलेगा। लेकिन मैं एक बात करना जरूरी समझता हूँ कि मोहब्बत का दावा मेरा भी है मोहब्बत का दावा आपका भी है बल्कि हर कलमा पढ़ने वाले का दावा मोहब्बत है। लेकिन आइए ना जरा तवज्जो कीजिए कि जिनके साथ मोहब्बत की जानी है वो मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं। मैं खुद इमाम अली मकाम का कौल पेश करने जा रहा हूं हुसैन बिन अली का कौल पेश करने जा रहा हूं मौजूदा औसत के हवाले से आप सुनाते हैं मन आपका ना लिल्ला है कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए हमारे साथ मोहब्बत की पंजा धड़ा ने यथा धड़ा 5 लाख रुपया झिनके फिर बता कि मैं बड़ा मोहब्बत ये मोहब्बत नहीं है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं मन आपका ना लिल्ला है जिसने हमारे साथ मोहब्बत की मोहब्बत सबब का मोहब्बत का सबब 5 लाख या 10 लाख रुपया नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा है। अब फायदा क्या होगा तवज्जो कीजिएगा इमाम अली मकाम फरमाते हैं जिसने अल्लाह की रजा के लिए हमारे साथ मोहब्बत की काना नखलो वो होवा जाओ मर क्या मरते का हाथ है जिंदगी का कोई बदला नहीं और मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं याद करें कि कोई आयत आप किसी ने हदीस सुनाई मैदान किबला पीर सैयद मोहम्मद जुबैर शाह साहब मैदान किबला पीर सैयद मोहम्मद जुबैर शाह साहब जनाबे अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से हदीस नकल की गई है। जनाबे अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल क़यामत नूदिया कि जब क़यामत का दिन होगा मैदान हशर में ऐलान किया जाएगा निदा की जाएगी क्या निदा की जाएगी क्या ऐलान किया जाएगा
बस इतनी
कंडीशन आप ही जरा सुन के, अल्लाह रब ताला ऐलान करता है कि दुनिया के जिस कोने में तेरा मोहब्बत करने वाला मौजूद है, अल्लाह का ये ऐलान है, अल्लाह ने उसे जन्नत अता कर दी। जिसने मुस्कुराकर मेरे नाम लिया अल्लाह ताला से जन्नत अता कर तो कहने लगा कि हाजत से बड़ी 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 बात करने लगे, बड़े बड़े लोग उसने अपने नबी पाक की ज़ियारत की थी, अबू जहल भी आया, अबू लहब भी आया, फलाम भी आया, फलाम भी आया, नबी पाक की ज़ियारत कर के जिंदगी भी होए, आप हमारे जो मुस्कुरा कर मेरा नाम लेगा वो जन्नत भी चला जाएगा, तो जरा जवाब सुनिएगा खाजे जी ने जवाब क्या दिया। खाजे साहब फरमाते हैं कि जिनके नाम तू ले रहा है उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा, जो काम भी करना होता
नबी पाक ने साहब इस्लाम का बगैर हुक्म फरमा के लोग काम फरमाया करते थे। अब जब मैंने इस्लाम कबूल किया ना तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नबी पाक ने साहब इस्लाम का पूरा इनसे बढ़कर हासिल रखना है। और यहां मैं एक बात की तलाश करना चाहता हूं, किसी बंदे के दिल में यह ना जाए कि शायद जनाबे अकील के दिल में जनाबे अबू बकर के बारे में कैसी बात थी। ये नहीं था सिर्फ नबी पाक ने साहब इस्लाम की मोहब्बत थी, नबी पाक का पूरा था जिस पूरा को हासिल करने के लिए हर सहाबी कोशिश किया करता था। तो जनाबे अकील ने कहते हैं मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं कोशिश करूंगा हर काम में मैं जनाबे अबू बकर से सबका देने की कोशिश करूंगा। अब हुआ के कहते ये है कि नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे अबू बकर को जो भी काम करने के बारे में कहते मैं दुआ था बात का क्या था पहले वो काम कर दिया करता तो बता तुझे देखते तो मुस्कान अचंभ हो जाया करते। एक दिन इस तरह हुआ कि जुमे का दिन है अब बता ज्ञान बता बस नबी ने पहले सब को कहते हुए हैं जुनाबे अकील आते हैं और अपने माँ से उठाते हैं और उठा अपने उसी साहब में ले जाते हैं पहले से दूसरी साहब में दूसरे से तीसरी साहब में चलते चलते यहाँ तक उन्हें सातवीं साहब में ले जाते हैं। आज जब सातवीं साहब में पहुंचते हैं तो अबू बकर पूछते हैं कि मेरे महबूब के शहजादे क्या आप इस बात पर राजी है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। यानी ये नहीं कहा आज अगर किसी बंदे से कोई बंदा पूछ गए तो शहजादे उठाने के लिए, लेकिन अबू बकर ये कह रहे हैं कि मेरे आका के शहजादे क्या आप इस बात पर राजी हो अबू बकर सातवीं साहब में बैठ जाए। अकील ने कहा कि हाँ बैठ जाए। अब इस सारे मामले को मौलाए कैनात को कैनात कैसे देख रहे थे। अब जुमे की नमाज के बाद जनाबे मौलाए कैनात की बात की बरकत में हजरत जान शिकायत कर रहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकील को समझाइए ये हर मामले में अबू बकर के साथ अड़ जाते हैं इन्हें समझाइए। आप यकीन करें मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि जब मैंने ये रवायत पढ़ी तो जो आगे अल्फाज आ रहे हैं वो जब अल्फाज मैंने पढ़े मैं काफी देर तक अपने आंसू नहीं रोक सका। अब शिकायत अकील की लग रही है। दूसरा तो ये चाहिए था नबी पाक पूछते कि अली ये बताओ कि अकील ने क्या किया है, लेकिन नबी पाक ने ये नहीं पूछा बल्कि नबी पाक ये पूछते हैं अली ये बताओ कि मेरे अबू बकर का जवाब क्या था। मेरे अबू बकर ने क्या किया तो बोला कि ना कहते हैं यार सुनता है सुन अबू बकर उस पर भी राजी है अबू बकर इस पर भी राजी है। नबी पाक ने सलाम में बुलाओ ने बोला को नबी बकर ने आए नबी पाक पूछे तो बकर मेरे यहाँ बता जुमे में कैसे बैठे हो गए आप कहते हैं यार सुनता कुछ नहीं है यार सुनता कुछ नहीं हुआ। नबी पाक बताया मुझे पता चला है अकील मुझे सब सिखाया है यार सुनना वो आपके शहजादे हैं अबू बकर आपके दर का गुलाम है अबू बकर इस पर राजी है। बकरीद ने किया क्या भाई इस प्यार दो में एक बराबर इस प्यार दो में एक बराबर आगे बिस्तरा ना बकर आ गया ना भाई गुलाम खरीदा होते कुछ नहीं बचता गुलाम खरीदा उत्ते कुछ नहीं बचता कितने इश्क ला लिया डेरा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे आगे नारे हैदरी नारे ओसिया नारे सुन्नत हमारी कोई नसीबी के अलावा दूसरा मैं छोटी सा बात कहते बस मैं अपनी बात में नहीं लगाऊँ वैसे ही मुझे आपके अभी दरमियान जाकर रैली लेना चाहिए ये मैं ये मेहमान है और मैंने इस्लाम इस नाते से बस मैं दो मिनट अपनी बात करवाना मैं बात को उसार करता हूँ कि नबी पाक ने साथ सलाम ने जब पूछा तो अबू बकर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वो आपके आल हैं मैं आपका खातिम हूँ मैं आपके दर का खातिम हूँ। नबी पाक ने साथ सलाम ने तुम्हारे अकील को बुलाया पूछा कि अकील बैठ तेरे पास आ मैं तुझे बताऊँ जो
जब मक्का के अंदर सब मुझे छोड़कर चले गए थे, अबू बकर अपना सब कुछ मुझ पर कुर्बान कर चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हकीम तुझे पता है कि अबू बकर के मेरे ऊपर इतनी एहसान है कि मैंने हर एक बंदे के एहसान का बदला दे दिया है सिवाय अबू बकर। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात अबू बकर के एहसान का बदला देगी। दुआ करता हूं मुझे अभी की तौफीक दे।